नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर में। साथियों, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जिसे कि पहले एयर इंडिया बोलते थे, इसमें वैकेंसी निकली है हैंडीमैन और कस्टमर एजेंट की। टोटल पोस्ट 604 हैं। लास्ट डेट इसकी 22 अप्रैल है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। AI सर्विस लिमिटेड फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इसमें जो वैकेंसी निकली है वो ये हैं। टर्मिनल मैनेजर की एक पोस्ट है, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की एक पोस्ट है, ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल की 6 पोस्ट हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की 5 पोस्ट हैं, रैंप सर्विस एजेंट की 12 पोस्ट हैं, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 96 पोस्ट हैं, कस्टमर एजेंट की 206 पोस्ट हैं और हैंडीमैन हैंडीवोमैन की 277 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। टर्मिनल मैनेजर के लिए इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन हम बात इसमें सिर्फ हैंडीमैन की करेंगे। इसमें 75,000 आपकी सैलरी होगी और 55 साल आपकी अपर एज लिमिट है। तो चलिए बात करते हैं कस्टमर एजेंट और हैंडीमैन या हैंडीवोमैन की। देखिए, ये है कस्टमर एजेंट की वैकेंसी और इसमें 21,300 आपकी सैलरी होगी। आपने ग्रेजुएशन किया हो और डिप्लोमा हो आपको आपके पास, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री की हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो कस्टमर एजेंट के लिए। अब बात करते हैं हैंडीमैन या हैंडीवोमैन की। इसमें 17,520 आपकी सैलरी है। जनरल वालों की अपर एज लिमिट 28 है, OBC वालों की 21, 31 और SC ST की 33। इसमें सिंपल क्वालिफिकेशन है 10th पास, यानी 10th पास आपने किया हो तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं और समझ में आती हो। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की आपको समझ हो और आप बोल सकते हो लोकल लैंग्वेज। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो कस्टमर एजेंट का है, उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और यदि हम हैंडीमैन की बात करें तो हैंडीमैन में आपका स्क्रीनिंग होगा और फिजिकल एंड्योरेंस होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी ऑन द सेम डे ऑफ द वॉक इन और ऑन द सबसिक्वेंट डे। द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग एंड ब्रॉडिंग एट देयर ओन कॉस्ट इफ रिक्वायर्ड। अब हाउ टू अप्लाई। 1 अप्रैल से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 22 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये जो फॉर्म आप है ये ऑफलाइन भरेंगे, ऑनलाइन इसका फॉर्म नहीं है। और इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, HRD डिपार्टमेंट, एयर इंडिया प्रीमिसेस, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, न्यू टेक्निकल एरिया, GS बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता। एग्जाम फीस इसकी 500 रुपये है। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2022 को आप पूरा करना होना चाहिए। यानी जैसे कि आप ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री 1 अप्रैल 2022 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये इसका फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है। ये ऑफिस का यूज ओनली है, ये आपको नहीं भरना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जैसे हैंडीमैन आपको यहाँ पर लिखना है, या पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। इसके बाद फुल नेम,
फुल नेम लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिखना है आपको, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस लिखना है आपका, अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्स है, क्या है, नेशनलिटी लिखनी है, उसके बाद रिलीजन, मदर टंग यानी आप हिंदी मातृभाषा है, पैन नंबर लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, और किस कैटेगरी में आप, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी लिखनी है। यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है आपको। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, टेंथ की, ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन और परसेंटेज अपनी, ट्वेल्थ की, ग्रेजुएशन की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन आपने की हो तो उसकी भी। अब कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पर लिखना है आपको, जैसे इंग्लिश रीडिंग आती हो, स्पीकिंग आती हो, राइटिंग आती हो, हिंदी की लिखनी है, और कोई और लैंग्वेज आपको, मदर टंग तो हिंदी ही है, या अदर कोई लैंग्वेज आती हो लोकल तो वो भी लिख देनी है। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना है अगर कोई हो तो, जैसे हैंडीमैन पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो वो आपको खाली छोड़ देना है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है। और यहाँ पर अपने साइन करके आपको, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने हैं इसके साथ, एप्लीकेशन फीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद डिग्री या प्रोविजनल डिग्री जो भी हो, आईटीआई या डिप्लोमा किया हो उसका, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो, डोमोसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, और यहाँ पर यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट हो वो भी लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगानी है, यदि पासपोर्ट हो तो उसकी भी कॉपी लगा देनी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो फास्ट स्टडी प्लानर चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।